नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले वीडियो में आपने डिब्रूगढ़ पार्ट वन एपिसोड देखा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं डिब्रूगढ़ का पार्ट टू एपिसोड है। असम टूर हमने 18 दिन में किया। इस समय आप डे 17 की जर्नी देख रहे हैं। इसके बाद आप असम सीरीज का एक ही एपिसोड देखेंगे जो कि पूरे टूर की समरी है, और उसके बाद नया डेस्टिनेशन, नया सफर। अभी हम आधे घंटे का सफर करके इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल प्लस रोड ब्रिज देखने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। सुना है, नीचे रेलवे लाइन है और उसके ऊपर रोड ब्रिज है। बहुत खूबसूरत, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ओपन फार्म लैंड, दूर दूर तक। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वाकई में मन हो रहा है कि यहाँ पर रुक जाओ और कम से कम आधा पौना घंटा रुक के सिर्फ इस नजारे को देखो और अप्रिशिएट करो। यस, फाइनली हम बोगीबिल ब्रिज के एकदम कॉर्नर पर पहुंच गए हैं। पहले मैं आपको ब्रिज दिखाता हूं और फिर इसके बारे में बताता हूं कि इसकी खास बात क्या है। देखिए, ब्रिज यहां से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली यहां से 20 मीटर से। ब्रिज स्टार्ट होने के साथ साथ आप देखिए पैरेलल में रेलवे ट्रैक्स हैं। इंडिया का ये लॉन्गेस्ट ऐसा ब्रिज है जिसके अंदर ऊपर से रोड जा रही है और नीचे रेलवे ट्रैक्स। इस ब्रिज को बनाने में 16 साल लगे। हाल ही में 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस ब्रिज की नींव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से 17 साल पहले रखी थी। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हमने ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोकी है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ब्रह्मपुत्र का ये व्यू। बहुत ध्यान से देखो तो भी ऐसा लग रहा है जैसे पानी थम गया है यहां पर आके। इस समय वाटर लेवल नीचे है, बरसात के समय पानी का लेवल ऊपर आता है। बहुत शानदार, दूर दूर तक ब्रह्मपुत्रा व्यू। इस समय क्लाउडी होने की वजह से ज्यादा दूर तक हम नहीं देख पा रहे। अगर आप यहां पर आते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट तो रुकना ही चाहिए। हालांकि अलाउ नहीं करते ज्यादा रुकना, तो मे बी 3-4 मिनट तक आप रुक कर इस खूबसूरत नजारे को इंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे ब्रिज की लेंथ 5 किलोमीटर से 60 मीटर कम है। मैंने आपको जैसे बताया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज। ये ब्रिज बनने से ट्रैवलर्स को अरुणाचल जाना आसान हो गया, ट्रेन ट्रैवलिंग में कम टाइम लगने लगा, साथ ही में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्मी की मूवमेंट आसान होगी टू दी बॉर्डर एरियाज। इस जगह पे खड़े होना और नीचे रेलवे ब्रिज और उसके ठीक ऊपर रोड ब्रिज, देखिए आप ट्रैफिक जा रहा है, यहां खड़े होके इतना खूबसूरत नजारा देखना वाकई में मूवमेंट है। बहुत शानदार, एक्सक्लूसिव। 5:30 बज चुके हैं और 10 मिनट के अंदर डार्क हो जाएगा। मैंने आपको बताया असम के अंदर सनसेट जल्दी होता है। 5-10 मिनट रुकेंगे और उसके बाद हम डिब्रूगढ़ मेन टाउन के लिए निकलेंगे। डिब्रूगढ़ में हम ऋतुराज जी के घर में आए हैं डिनर करने के लिए। ओहो, नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। ट्रेडिशनल स्टाइल से वेलकम करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग का जापी बोलते हैं इसको। जापी, जापी। तो बेसिकली इसका यूज होता है किसी को वेलकम करने के लिए, सजाने के लिए, और बिहू डांस में भी इसका इस्तेमाल होता है। मैंने कुछ जगह देखा ऐसा वॉल में हैंग करते हैं। बहुत खूबसूरत। फूड रेडी हो चुका है। अब आप एक बार हर आइटम को एक्सप्लेन कर देंगे। ये तोरा गोश्त का सब्जी है आलू के साथ। ये रॉ बनाना और आलू को मैश करके टिक्की बना के फ्राई किया गया है। ये नॉल टेंगा जो एक लोकल हर्ब्स है उसकी चटनी है। ये तिल की चटनी है। ये बाहू फिश का सलाद है कुछ लोकल हर्ब्स के साथ। ये है आपका गोरोई फिश, नोरोहिंगो करी पत्ता। ये आपका प्रॉन करी है विथ दही एंड क्रीम। ये पंचरत्न दाल है विथ सम लोकल हर्ब्स और पपाया। ये ड्रमस्टिक की सब्जी है
मस्टर्ड सीड्स के साथ, और ये असम में बहुत फेमस जो है एक पिटिका है, एक और रोस्टेड टोमेटोस का। पिटिका एक के साथ? एक के साथ। ओ गॉड, पिटिका में कितनी वैरायटीज हैं, बैंगन, आलू बहुत सारे, और एक के साथ तो जबरदस्त। ये आपका स्टीम चिकन है, इसको आपको केले के पत्ते में लपेट के कुछ हर्ब्स, प्याज और अदरक लहसुन और ड्राई बेम्बो सूट के साथ स्टीम किया गया है। इतनी सारी फूड आइटम्स में ना सबसे बड़ा चैलेंज है स्टार्ट कहां से किया जाए, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न है या जैसे मन करे वैसे खाओ? जैसे मर्जी वैसे, जैसे खा सकते हैं। लेकिन हम लोग दाल से शुरू करते हैं। ग्रेट, तो मेरा वैसे मन हो रहा है, मैं इससे स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो व्हाई, बिकॉज मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, बनाना आलू के साथ मैश करके आपने इसको तैयार किया गया, उसके बाद में दाल से स्टार्ट करता हूँ। प्लीज आप भी शुरू करिए। बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है, मतलब सोचो कितनी वैरायटी है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ इसको एज अ स्नैक आप खूब इंजॉय कर सकते हो, और इसको तिल का चटनी के साथ खाएंगे। तिल का कितना एक्सटेंसिव यूज होता है असम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और तिल के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज होती है, आप गूगल करिए आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। टेरिफिक, क्यों टेरिफिक है, मैं खाते खाते विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, मन में सोच रहा था किसका कॉम्बिनेशन टोमेटो केचप सॉस से मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये खा लेने के बाद टोमेटो केचप कहीं स्टैंड नहीं करती इस कॉम्बिनेशन में। ये दाल में आपने पपीता डाला? जी हाँ। वाह, यहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं दाल के अंदर पपीता काफी कॉमन है। हाँ, काफी कॉमन है, ये लगभग हर घर में यूज। ग्रेट, ये आपने जो डिफरेंट वैरायटी दाल की मिलाकर उसमें पपीता डाल दिया ना, तो ये हर तरह का टेस्ट आ गया इस के अंदर, बहुत खूब। आमतौर पे हम जो ड्रमस्टिक आज तक खाते आए हैं वो साइज में ना मोटी रहती है, यहां आज मैं वेजिटेबल मार्केट में भी जाके नोटिस किया था कि यहां पर ड्रमस्टिक जो चलती है वो छोटी रहती है, मतलब उसको छोटा रूप में तोड़कर खाया जाता है। एक चीज बताओ, आमतौर पे हम ड्रमस्टिक खाते हैं तो बच जाता है ना, तो हम लोग साइड में निकाल देते हैं, इसमें तो मैंने खा लिया आराम से। ये क्योंकि छोटा वाला है ना, इसीलिए। हाँ, ये जो अभी नया होता है ना। अच्छा, नया। ग्रेट, कुछ दिन के बाद ये खाने से नहीं फंस जाएगा खाने से। अच्छा, हरी जी आप अभी थोड़ा पिटिका लेके राइस में दो, उसको मिला के आप खाओ, और नेक्स्ट बाइट में ये फिश सलाद आप खाओ। अच्छा, तो मजा आए। पिटिका बड़ी शानदार है, अंडा पिटिका। इसमें आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ। गजब, अब ये फिश सैलेड है, इसके अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है, फिश कम है और सैलेड ज्यादा है, और हल्का सा मस्टर्ड ऑयल है फ्लेवर पर्पस से, जस्ट फॉर फ्लेवर। तो ये लोडेड विद लॉट ऑफ वेजीज, इसको क्या बोलते हैं, आपने बताया मुझको नोरंगो। नोरंगो, ओके, तो ये क्या है अगर हिंदी में बोले तो? करी पत्ता। ओके, मैं इसका पहले करी टेस्ट कर लेता हूँ। बहुत डिफरेंट टेस्ट है, मतलब yes. सही मायने में पूछोगे ना तो अगर आप मुझे नहीं बताते मेरे को पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता लगता कि मैं कड़ी पत्ता का बेस वाली चीज खा रहा हूँ, मतलब बदल गया टेस्ट एकदम। और काफी स्ट्रेंथ आ गई है टेस्ट के अंदर, वेरी डिफरेंट और टेस्ट अच्छा है। अच्छा, ये चिकन को ना स्टीम किया गया और आप देख रहे हैं बनाना लीफ में सर्व भी किया गया और उसको स्टीम भी किया गया। एक बात माननी पड़ेगी, बैम्बू शूट का जो फ्लेवर है ना, ये चिकन के अंदर मैरिज हो गई है। yes. और स्टीम करने से तो ऑब्वियसली टेस्ट फिर बड़ा रियल फॉर्म में आ रहा है, और ऑयल जीरो।
बहुत शानदार। मैं नोटिस कर रहा हूं कि इनकी ना पेस ऑफ ईटिंग और मेरी में बहुत फर्क है। मैं धीरे 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 खाता हूँ क्योंकि मेरे को 45 मिनट लग जाता है एक मील खत्म करते करते, लेकिन आप कैरी ऑन रखो एट योर पेस। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको तो पहले बताना चाहता हूँ कि ये फूड मैंने बहुत इंजॉय किया, यादगार रहेगी हमेशा के लिए आपके यहाँ पर आना और इतना लैविश मील डिनर में खाना हमेशा के लिए। आज हमारे टूर का 17th डे है, कल 18th डे है, तो टुमारो इज गोइंग टू द लास्ट डे, लेकिन कल हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे बैक टू पेविलियन। तो असम टूर हमारा इस जर्नी के साथ समाप्त होने वाला है। तो अब हम फूड को धीरे धीरे फिनिश करते हैं और आपसे कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कैचअप करेंगे, और अभी के लिए बाय, बाकी कल सुबह। डिब्रूगढ़ में हमने वन नाइट स्टे किया एट रिजेंसी गेस्ट हाउस, डोमिनोज के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये गेस्ट हाउस है एट RKB पथ। ऑन ए ड्यूअल ऑक्यूपेंसी टैरिफ हमें यहाँ पर पड़ा 1700 रुपीज। यहाँ पर टैरिफ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, जिसके अंदर रोटी और दाल या रोटी आलू रहता है। तो मैंने बात करी गेस्ट हाउस स्टाफ से और ओनर से, तो उन्होंने आज स्पेशली हमारे लिए मैनेज कर दिया असमीज ब्रेकफास्ट। तो हम ऑलमोस्ट वही चीज़ खा रहे जो हम पहले खा चुके हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। मैं गेस्ट हाउस के टेरेस में बैठा हूँ और अब आपको मैं बताता हूँ ये ब्रेकफास्ट मैं कैसे खाने वाला हूँ। पफ्ड राइस और सीरा, यानी पोहा तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ दही और गुड़ के साथ, लेकिन आज के इसमें डिफरेंस ये है कि हम थोड़ा थोड़ा तीनों डालेंगे, मतलब थोड़ा सा ये पफ्ड राइस डालेंगे, थोड़ा सा ये डालेंगे, और साथ में हम इसमें पोहा / सीरा ये भी डालेंगे। और साथ में कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा गुड़ और दही के साथ। दही अच्छा खासा गाढ़ा लग रहा है, ग्रेट। इसको मिक्स करके ब्रेकफास्ट की शुरुआत। इसको यहाँ पर लोकली आखोई बोलते हैं, ये है मुरी। लाइट ब्रेकफास्ट है और ये कॉम्बिनेशन है, ये मज़ेदार है। अल्टीमेटली पफ्ड राइस, तीनों चीज़ राइस से बनी है, और टेस्ट के अंदर जो पूरी की पूरी गेम ड्राइव होती है इस तरह के कॉम्बिनेशन में, वो दही और गुड़ से होती है। मुझे इन्होंने बोला आपको साथ में हम क्रीम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को क्रीम से ज़्यादा ये मक्खन लग रहा है। इसके अंदर मिक्स करके इस टेस्ट का भी आनंद लेंगे। ये भी इंजॉयबल है, लेकिन मेरे को ना बिना क्रीम के ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं एक कटोरी और लूँगा, उसमें मैं क्रीम नहीं डालूँगा, दही डालो, गुड़ डालो, और ये तीनों मिक्सर को कंबाइन करके खाओ। तिल लड्डू तो आपने देखा यहाँ पर कितना फेमस है। बहुत शानदार। बताओ, तिल लड्डू के बाद नारियल लड्डू, उसके बाद पिठा खाया जाएगा, चाय पी जाएगी, और फिर यहाँ से हम जाएंगे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के बाद जाएंगे वहाँ से हम फ्लाइट लेके गुवाहाटी एयरपोर्ट, 3-3.5 घंटे का हॉल्ट है, देन बैक टू पेविलियन। हम डिब्रूगढ़ से चले, 1 घंटे की फ्लाइट ली, छोटा एयरक्राफ्ट, बाहर देखते देखते विंडो के बाहर पता भी नहीं चला 1 घंटा कब गुजर गया और हम पहुंच गए गुवाहाटी। हमारे पास नेक्स्ट फ्लाइट जो दिल्ली की है उसके लिए 3 घंटे का गैप है, इसके लिए हम बाहर आ गए। पिछले 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं, अब हमें 10-15 मिनट में वापस अंदर जाना है फॉर सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद बैक टू दिल्ली। तो ये एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है, साथ में हमारी असम टूर की टोटल जर्नी जो 18 दिन की थी ये भी समाप्त होती है। हमने खूब इंजॉय किया, फूड, कल्चर, वाइल्ड लाइफ और भी बहुत कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी सीरीज़ आपने इंजॉय करी होगी। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, ओपिनियन है, सजेशंस हैं, तो ज़रूर शेयर करिए, अपने असम एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर करिए। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट सोचा नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में उत्तराखंड है। होप वी ट्रैवल टू उत्तराखंड सून। दैट्स इट, इस समय हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम।